साल से मैं विधायक हूँ, तीन बार रोड बनवा चुका हूँ, उसी रोड की मरम्मत तीन बार हो चुका है। कन्फर्म करके रहिए कि आपको 18 महीने कष्ट होगा, ऐसे ही आपको चलना होगा, फिरना होगा इसी रोड पर। पिछले 8 साल से यही चीज सुनते आ रहे हैं, 8 साल से तो यही सुनते हुए आ रहे हैं। आप कब से, आप तो 50 साल से ही सुन रहे होंगे, ये रोड पहले क्यों नहीं एनएच हुआ? पहले भी तो जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, अगर आप हमसे प्रश्न करिएगा मीडिया के हिसाब से तो पहले भी तो जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ। लेकिन सर वर्तमान में जो है उनसे तो सवाल उठ रहा है, क्यों रोड चौड़ा था महनार के बाद, क्यों रोड पतला था, क्या यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं थे पहले? सर, पहले भी जनप्रतिनिधि हुआ, अभी के जनप्रतिनिधि सवाल होंगे ना सर, भाई के पैदा होने के पहले भी यहाँ लोग थे, क्यों नहीं और लोग धरना प्रदर्शन किया इस रोड के लिए? सुनिए बात को, इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमारे पूर्वज जो करके गए वही हम भी करेंगे। तो भाई आप जो अभी हमसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मैंने आपको दिया कि पहले भी जब चिंता जिस जनप्रतिनिधि की हुई और चिंता हुई तो वो रोड पे लगा। और कहीं कहीं गिट्टी बालू मिट्टीकरण का कहीं कहीं कुछ डाला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला, वहाँ ऊंचा कर दिया जहाँ पे ये था, लेकिन उस काम से हम लोग का काम नहीं हुआ जितना किया। नवरात्रा के आसपास कुछ किया होगा, उससे नहीं हुआ। उसका कहना है कि हमारे में बजट में प्रावधान नहीं है मरम्मती करने का। सुन लीजिए बात, जिस कॉन्ट्रेक्टर को काम मिला है उसके अंदर फिर रिपेयर करने का बजट उसके पास नहीं है, क्योंकि उसको तो पूरा रोड तोड़ना है यहाँ से वहाँ तक। सीमेंटर तभी बनेगा जब पूरा रोड हटाएगा, और रोड तो बाधित होगा जान लीजिए, 18 महीने के अंदर उनको बना कर देना है, और उसमें 2 महीना क्रॉस कर चुका है और लगा हुआ है लगातार, उसका लोग कहीं नपैया कर रहा है, कहीं अलाइनमेंट कर रहा है, आप लोग देखे भी होंगे रोड पर कहीं उस तरफ से नापती हुआ आया। 55,000 से लेके 10,000 के आसपास पेड़ को काटना है, बिजली के तार को शिफ्ट करना है। ये तो रही एनएच का पूरा कंप्लीट बनने की प्रक्रिया, जिसमें समय तो लगेगा, लेकिन रोड मरम्मती के लिए जब हम मिले तो बोला कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, जो जिस कंपनी को मिला हुआ है उसे। तो फिर यहाँ से, क्योंकि हमारा जो एनएच 122 भी है ये बिहार शरीफ के अंतर्गत आता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फिर से इसका बजट 25 लाख रुपया बनाकर और इसको एसी भी पास कर दिया, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गया तो एसी भी पास किया, एसी के बाद आरओ के पास कल जो है सो पहुंचा है, मेरे पास मैसेज भी है व्हाट्सएप पे, आपको हम दिखा भी सकते हैं अगर आप लोग मांगेगा। और आरओ ने इमीडिएट जो है सो कॉन्ट्रेक्टर को आदेश दिया कि इसको इमीडिएट जहाँ जहाँ भी गड्ढा वगैरह है उसको भर के फिल करो, है ना, फिल करके। हमारा मोबाइल लाइए तो थोड़ा आ गए रवीश जी, दिखाते हैं सुजीत भाई को, ये इमीडिएट और इसको पिचिंग नहीं करेगा, जान लीजिए जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ वहाँ भरेगा और उसको फिल कर देगा। और हमको लगता है कि सुजीत जी चाह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर काम शुरू हो, बोल रहे थे कि भाई आकर कोई कहे ना कि 10 दिन में काम, तो निश्चित रूप से अगर मौसम ठीक रहा, अगर 10 दिन ऐसे सूखा मौसम मिल गया, क्योंकि बारिश भी बीच बीच में हो जा रही है जिससे काम में दिक्कत हो रही है, तो निश्चित रूप से 10 से 15 दिन के अंदर में जितने बड़े बड़े पैच हैं सब पैचअप कर दिए जाएंगे। भाई अविनाश जी, लेकिन सर बैठे हुए हैं, सर आज सभी लोगों से आग्रह है, राम मोहन जी बैठे हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि हमारी बात को आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके पानी से जो है सो आप लोग नीचे निकलिए, वो बाहर निकलिए और अपने स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता करिए। मुझे तो चिंता है थी इसलिए हम आ गए सर। लेकिन यह 2 साल से सर आप यहाँ के विधायक है और आज जब आंदोलन पर ये बैठ गए अनशन पर, तब जाकर सर ये आज बोल रहे कि 10 दिन में अगर बारिश छूट जाती है तो हम करवा देंगे। 2 साल से मैं विधायक हूँ, 3 बार रोड बनवा चुका हूँ, उसी रोड की मरम्मत 3 बार हो चुका है। आप वो न्यूज खोजिए है ना कि 3 बार बना है कि नहीं बना है इस रोड को, कम से कम क्या 3 बार पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक रिपेयर हुआ बना भी है। लेकिन जो इस रोड में जिस तरीके से लोड बढ़ा हुआ है, बालू गिट्टी का ट्रक जाता आता है,
ये बड़मती से ये लोड सहने लायक ये रोड नहीं रह गया है, इसलिए बनाइएगा टूटेगा। और एक चीज आप कंफर्म करके रहिए कि आपको 18 महीने कष्ट होगा, ऐसे ही आपको चलना होगा, फिरना होगा इसी रोड पर। पिछले 8 साल से यही चीज तैयार नहीं होगा, 8 साल से तो यही सुनते हुए आ रहे हैं आप। कब से? आप तो 50 साल से ही सुन रहे होंगे। ये रोड पहले क्यों नहीं एनएच हुआ? पहले भी तो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। अगर आप हमसे प्रश्न करिएगा मीडिया के हिसाब से, तो पहले भी तो जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ। लेकिन सर वर्तमान में जो है उनसे तो सवाल उठता है, महनार तक रोड चौड़ा था, महनार के बाद क्यों रोड पतला था? क्या यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं थे पहले? सर, पहले भी जनप्रतिनिधि हुआ, अभी के जनप्रतिनिधि सवाल होंगे ना सर। भाई के पैदा होने के पहले भी यहाँ लोग थे, क्यों नहीं और लोग धरना प्रदर्शन किया इस रोड के लिए? सुनिए बात को। इसका मतलब ये नहीं ना कि सर हमारे पूर्वज जो करके गए वही हम भी करेंगे। तो भाई आप जो अभी हमसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मैंने आपको दिया कि पहले भी जब चिंता जिस जनप्रतिनिधि की हुई और चिंता हुई तो वो रोड पे लगा। इनके माध्यम से बात उठे या आम पब्लिक के माध्यम से बात उठे, बात जब गई और सब लोग को ये हुआ तो चिंता हुआ, तभी तो रोड NH 122 भी हुआ। सर अभी एक वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये चर्चा तो 2006 से लगातार चल रही है ना सर, लेकिन 8 साल से तो यहाँ पर माननीय नीतीश टेंडर मेरे जीतने के बाद टेंडर हुआ जी, है ना, और हर चीज का प्रूफ प्रमाण है। जिस कॉन्ट्रेक्टर को मिला है, आरके कंस्ट्रक्शन बछवाड़ा लाइन भी बना चुका है और उसी कॉन्ट्रेक्टर को ये मिला है, समझ गया ना? ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। रोड 2-3 बार रिपेयर ऑलरेडी इसका हुआ है, लेकिन रोड में जो एक शक्ति जो होती है लोड सहने का, वो लोड सहने का क्षमता नहीं है इस रोड में। विधायक जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप एक जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ आए। आपने जितनी बात अभी तक कहा वह विगत 8 वर्षों से जो भी जनप्रतिनिधि हो, हम जो भी आंदोलन किए यही बात कहें। आप इसके अगर सक्षम पदाधिकारी, आप कह जे हम आरओ से बात किए, किसी सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए। जब मैं 2020 में आमरण अनशन किया, विधायक जी बोल रहे हैं, सांसद से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी बोले कि हम DPR दे रहे हैं आपको, भगत जी 145 पृष्ठ का DPR दिए का 6 महीना में क्रम जो है इसका प्रारंभ कुछ जो है श्री गणेश हो जाएगा। 2022 6 महीना बीत गया, सुनिए ना, 6 महीना बीत गया कोई काम नहीं हुआ। मैंने इनसे भी संपर्क किया, माननीय स्थानीय सांसद से भी संपर्क किया, उसके बाद किसी के कान पर जू नहीं रहूंगा। मैं पुनः 6 महीना के बाद 17 अगस्त 2020 में ही धमन से बछवाड़ा तक का पद यात्रा प्रारंभ किया, दंडवत यात्रा। मुझको गिरफ्तार करा दिया गया, केस कराया गया, हाजत में बंद कराया गया, हो गया। उसके बाद हम लोग 3 लाख हस्ताक्षर अभियान करा के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को भेजने का काम किया गया। हर एक बार जब भी कोई आंदोलन होता है सिर्फ थोथी आश्वासन के अलावा, आज तक अगर कोई बतला दे कि कोई काम हुआ है यहाँ पे, तो मखनी आंदोलन अपना समाप्त करेंगे। जो पूर्व में बात हुई वह बात अभी भी हो रही है। आप तो आरओ आया, इतना महाराज इतना बड़ा क्षेत्र की समस्या है, ठीक है विधायक जी आप आए, आपके क्षेत्र के लोग बैठे हुए, आपका ना आर एनएच का कोई पदाधिकारी अभी तक बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, कैसे मैं मान जाऊं? क्या बात करते हैं यार, बोलने दीजिए, सवाल जवाब अपना करने दीजिए दोनों को। विधायक जी इसके लिए सक्षम भी नहीं है, विधायक जी एक प्रयास कर सकते हैं, विधायक जी इसके लिए सक्षम भी नहीं है। विधायक जी का एक प्रयास हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में चीज होना चाहिए, लेकिन कोई पदाधिकारी कान पर जू नहीं रेंगा। महाराज आप समझ रहे हैं, विधायक जी ने अभी एक बात बोला, बुरा लगा कि सिर्फ यहाँ पे गड्ढा है नाला के कारण। आप चले जाइए महनार से लेके विद्यापति तक, बछवाड़ा में विद्यापति तक आप चले जाइए, सिर्फ महाजी नगर की नहीं, आप कल कहाँ का पोस्ट ईश्वर जी डाले हैं? धमन के पहले रुन्नी भुजा तक आपका पोस्ट है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। महाराज आप कैसे कहते हैं कि सिर्फ यह महादी नगर की समस्या है, यह धमान से लेके और वहाँ तक की समस्या है, और जब तक इसका ठोस सही निराकरण का आश्वासन, थोथी आश्वासन अब नहीं मिलेगा। हम तो आंदोलनकारी है, हम तो मरने के लिए तैयार है, हम बैठे हैं कीड़ा लग जाए जो हो जाए, हम तो बैठे हुए बैठेंगे जनता के लिए। आपको अगर लगता है कि चीज है तो विधायक जी आपके अनुसार सही है, मेरे अनुसार सही है। अगर हम जनता के साथ अगर आप है तो आप भी मेरे साथ धरना पर बैठिए, हम बैठते हैं।